चढ़न था जड़े सिज थो भुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबह जान मारंग नाढा वणन था सुबह जान मारंग नाढा वणन था सुबह जान मारंग नाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दे पर डे जिते जिते भी पी टी वी ए पी टी वी नेशनल दिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिकब्र सलाम क़बूल हुजे। नाज़रीन, अल्लाह साईं फ़रमाइनि था त केरु मूंखे दिलि सां टुटी करे चाहे थो त यकीन कयो आउं उन जी दुआ क़बूल कंदो आहियां ऐं आउं उन जा दुख दर्द दूरि कंदो आहियां। ऐं अल्लाह साईं फ़रमाए थो त इबादतूं सिर्फ़ु ॾेखावे जूं नमाज़ूं न पढ़ो, पर मोहम्मद मुस्तफ़ा चयो आहे त तव्हांजे अगरि मिठी ज़ुबान जे तव्हां मिठी ज़ुबान था इस्तेमालु कयो, मिठो लहजो था इस्तेमालु कयो ऐं आजज़ाना हिकिड़ी तबियत आहे तव्हांजी त यकीन कयो त तव्हां दिलि खटे वरितो। अलाह साईं अहिड़े माण्हुनि खे पसंदि कंदो आहे। रबीउल अव्वल जे हवाले सां अॼु जो महीनो ख़ूबसूरत महीनो स्टार्ट थी चुको आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। माशाल्लाह सां 12 तारीख़ अचण वारी आहे ऐं उहा सुभाणे जे ॾींहं में यकीन थी वेंदी। पर तव्हां खां कुझु ॻाल्हियूं शेयर कंदी हलां त हिकिड़ी जॻह ते त घबरायो न, घबरायो न, मुश्किल अनकरीब ख़तमु थी वेंदी। तव्हां यकीन रखो, तव्हां यकीन रखो त अल्लाह तव्हांजे लाइ काफ़ी आहे। नज़रअंदाज़ कयो, नज़रअंदाज़ कयो वसवसनि खे दिलि मां, छो जे उहे बेचैन कंदा आहिनि। तव्हां मदद वठो, तव्हां मदद वठो अल्लाह साईं खां जेको जल जलाल हू आहे। ऐं पोइ तमाशा वई ॾिसो या वई ॾिसो हुन जूं करामतूं त हू तव्हांखे केॾो बख़्शणहार आहे, कीअं तव्हांजी मुश्किलुनि जो हल कढे थो, तव्हांजूं तकलीफ़ूं दूरि करे थो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलही वसलम जिन फ़रमायो त ज़िंदगी ॾाढी आसान आहे, इस्लाम दीन ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, सिर्फ़ु तव्हांखे चंद ॻाल्हियुनि ते अमल करिणो आहे, सुठो सोचणो आहे, सुठे तरीक़े सां बिहेवियर रखिणो आहे ऐं ख़ूबसूरतीअ सां हलणो आहे। यादि रखो त ज़िंदगीअ में जे अगरि तव्हां चङाई था चाहियो, ख़ूबसूरती था चाहियो, सुठो रहण था चाहियो त कॾहिं बि ज़िंदगीअ में एॾा मसला न कयो जो तव्हांखे पाण परेशानी थी वञे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आल वसलम चयो आहे पंहिंजी सफ़ाई निसफ़ ईमान आहे। पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत कयो छो जो अल्लाह खे वणे थो, जेको पंहिंजी नियाणियुनि जो ख़्यालु रखे थो ऐं उनखे हुस्न सलूक सां पाले थो, उनजी ज़िमेदारी खणे थो, त उहो बि मुंहिंजे दिलि जे वेझो आहे। जेको कूड़ नथो ॻाल्हाए, जेको मुनाफ़िकत कोन थो करे, उहो मुंहिंजे अल्लाह साईं जेको क़रीब आहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा चयो आहे जेको बुग्ज़ रखे ऐं कूड़ ॻाल्हाए मुंहिंजे लाइ सोचे, उहो अल्लाह उनखे कॾहिं बख़्श ई कोन कंदो। सो इहे नंढियूं नंढियूं पॉइंटूं आहिनि जेके इंसान खे अॻियां वधाईंदियूं आहिनि। सो पंहिंजी ज़िंदगी में हिकिड़ो चेंज रखो, ख़ूबसूरती रखो ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं ऐं साइमा इरफान खे था सॾियूं त अचे। अस्सलामु अलैकुम साइमा, अॼु जो कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुलु ठीकु। अॼु तव्हां छा था ॿुधायो? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हेडा इन के छडे दियो ता हेडा अच्छी हो जैसा चाहो ता ता असा सा गड वियो आई असा सुठी सुठी गालियो ता सा कयो। हा रबीउल अव्वल जो डी एक ईद जो समा होदो आ साला, छ जे असा जे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो जेको आ डी होदो आ। सो असा ता सब गालाइंदा सी, असा वट जेको आ शाइना भी मौजूद आ त शाइना के चंदा सी। शाइना अस्सलाम वालेकुम ऐं अलहमदिल्ला, तव्हां छा ठाहिया आहियो इहो ॿुधाए, तव्हां बि अची वञो सोफ़ा ते जी। हा न पहिरीं रेसिपी ॿुधाए छॾे, रेसिपी ॿुधायो उन खां पोइ। ठीकु है जी,
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सब लोगों को माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ शेफ़ शाहीना शुमाइल और आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने किचन सेगमेंट में। जी जनाब, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है आज? हमने यहाँ पर बनाई है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाई है। तो चिकन कढ़ाई जो हमने यहाँ पर ढाबा स्टाइल बनाई है उसको, क्योंकि आपको पता है कि रबीउल अव्वल है, तो कुछ हम ज़रा पकवान थोड़े से ऐसे बना रहे हैं कि जो दावतों में खाने जो पकाए जाते हैं, तो इस तरह के हम पकवान बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। चिकन कढ़ाई की रेसिपी क्या है, थोड़ी सी मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये बनी हुई रखी हुई है, ये मैंने एक टमाटर के छिलके से एक रोज़ बनाया है, इसको हम इंसर्ट कर देंगे। और ये कुछ मैंने इस तरह से मैंने हरी मिर्च ली, हरी मिर्च लेने के बाद इस तरह से मैंने इसमें कर्ड्स लगाए, और ये कुछ मैंने चिली फ्लावर्स का इसमें लुक दिया है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे, और ग्रीन कलर आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर हमने चलें जी, हमने यहाँ पर इसे गार्निश कर दिया है। और ये हमारी जो है वो चिकन कढ़ाई यहाँ पर तैयार है। अच्छा जी, आपको मैं इसकी रेसिपी बता दूं कि इसकी रेसिपी जो है वो क्या है। सबसे पहले हमने लिया था, क्योंकि ऑयल की अगर मैं बात करूं कि हम जब जो भी खाना बना रहे होते हैं उसके अंदर हम ऑयल कितना शामिल करते हैं, तो ऑयल का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आप 1 kg की क्वांटिटी बना रहे हैं तो आपने लाजमी 1 cup कुकिंग ऑयल लेना है, चाहे आप किसी भी किस्म का कोई सालन बना रहे हो, कोई कढ़ाई बना रहे हो, या आप कोई भी किस्म के राइस बना रहे हो, तो आपने 1 kg की क्वांटिटी में जो है आपने डालना है 1 cup कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर ली है 750 g चिकन ली है, तो मैंने 3/4 cup कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ, सबसे पहले आपने जब चिकन को वॉश करना है, वॉश करते साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर सिरका ऐड करना है, विनीगर ऐड करना है। तो आपने इसके अंदर 3 tablespoons विनीगर ऐड करना है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके पानी में इसको सोक करके रख देना है चिकन को, जो फ्रेश फ्रेश चिकन आपके पास आती है। जब उसकी आप उसको सोक कर लें, आपने तकरीबन 5 से 10 minutes उसमें सोक करें, तो आपकी चिकन हो जाएगी बिल्कुल वाइट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है। मैंने यहाँ पर 3/4 cup कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने चिकन डाली, चिकन को डाल के मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 अदद प्याज ली, जिसको मैंने बारीक बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। अगर आप फाइन चॉप नहीं कर सकते तो आप उसे ग्राइंड कर लें, क्योंकि मैं आपको पता है शेफ्स वगैरह अपनी नाइफ़ से ही फाइन चॉप कर लेते हैं, तो मैंने अपनी नाइफ़ से इसे फाइन चॉप किया। मैंने 1 अदद इसमें प्याज ऐड की, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट 1 tablespoon वो इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद चिकन डाल के, चिकन मैंने इसको ऑयल में पहले डाल के फ्राई करी थी, फिर ये तमाम चीज़ें डाली। उसके बाद मैंने टमाटर लिए, 1/2 kilo मैंने इसके अंदर टमाटर लिए, टमाटरों को बीच से कट लगाया। बीच से कट लगाने के बाद कढ़ाई में या अपने वॉक में आप इंसर्ट कर दें, उसके बाद आप उसकी लिड लगा दें। आपने इसके छिलके नहीं उतारने, जब आप बात हो गई थोड़ी सी रेसिपी, हाँ जल्दी से। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है उसके छिलके आपने कवर कर देना, उसके बाद उसके छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसके छिलके सॉफ्ट हो, आप किसी भी फोक की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। उसके छिलके हमने अलग कर दिए, उसके बाद उसकी भुनाई करी। लास्ट में हमने क्या करा, इसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, क्रश चिली 1/2 tablespoon, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 tablespoon, हमने गर्म मसाला पाउडर 1/2 tablespoon, हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया, और उसके बाद ये सारे तमाम मसाले डाल के, जीरा हमने इसके अंदर थोड़ा सा अलग से डाला था, ये तमाम मसाले 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई किया, टमाटरों की भुनाई की। लास्ट में हमने आपके सामने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करी, और इस तरह से हमारी जो है वो चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। अच्छा, मुझे आप लोग कह रहे हैं ब्रेक पे चले जाएं, फिर आप लोग मुझे कह रहे हैं कि इनसे बात करें, तो प्लीज़ आप थोड़ा मुझे डबल बात में डबल माइंडेड हो जाती हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिए जी। तो अब आप हमें ये बताएं, क्योंकि आज दिन ऐसा है, और दिन क्या सारे दिन हमारे नबी के हैं जी, लेकिन स्पेशली हम सोचते हैं कि एहतमाम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए एक ईद होती है, ईद होती है। तो आप मुझे उस हवाले से बताएं कि अपने घर में किस तरह एहतमाम करती है, कोई बच्चों के लिए कपड़े बनवाना करना, दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ।
सबसे पहले तो साइमा बताएंगी। साइमा पहले बैठी हुई है, सबसे पहले तो साइमा बताएंगी। शुक्र है ये नहीं कहा कि पहले बड़े बताएंगे, तो ये फिर मसला हो जाता मेरे लिए। ठीक है, ये मेरे लिए मसला हो जाता। जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट। और फिर मैं ऑफ स्क्रीन एब्सेंट माइंड हो जाती, आकर मैं एब्सेंट माइंड हो जाती और फिर ऑफ द स्क्रीन मैं इनको बताती फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं नहीं, जस्ट अ जोक। ये कि ये मेरी छोटी बहन है, मैं कह देती हूँ सायरा, हम दोनों बराबर है, ये छोटी बहन। सही सही। और जी, मैं जैसे खुशी का मौका है और मेरी तरफ से भी तमाम आलम इस्लाम के जो है मुसलमानों को, और दुपट्टा नहीं लिया हुआ लेकिन माजरत, लेकिन ये कि प्यार दिल में है, इतना एहतराम दिल में है कि अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ सब मुसलमानों को अपने घरों में अल्लाह ताला खुशहाली रखे और सबके खैर बरकत रखे। और ये इतना मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थोड़ा बहुत भी कहते हैं ना कि कोई मसला है किसी के लिए, तो अल्लाह ताला वो दूर कर दे। और बस ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा दिलों में कायम और दायम रखे। और इसको मैं ऐसे मनाती हूँ, 12 रबीउल अव्वल इतना ख़ास महीना है। रात में क्या करते हैं, पूरे घर को लाइटों से, छोटी छोटी लाइटें हैं फेरी लाइट्स, उससे जो है रोशन करते हैं। और उसके बाद जो है सुबह के टाइम जो है हस्ब मामूल जो है, जैसे फातिहा तो नहीं मैं करती हूँ, लेकिन ये कि जो भी मीठा कोई बना के चीज़ या ऑर्डर कर देती हूँ, या घर में मीठा बना के खीर वैसे मोस्टली मैं बनाती हूँ, और वो जो मेरे घर वालों को पसंद है तो वो खीर बनाती हूँ, एहतमाम करती हूँ। और कोशिश होती है कि उस दिन जो है बेहतर घर वालों के लिए बेहतर से बेहतर एहतमाम किया जाए, खाने के हवाले से। और जाहिर सी बात है आना जाना होता है बहन भाइयों के घर में, तो ये कि बहुत अच्छा ये मौका है एक दूसरे को राज़ी करने का, एक दूसरे को दिलों में जो है घर करने का। यही तरीका है कि आप कोई तोहफा ले जाएं, किसी के घर में जाते हैं, ये बेस्ट टाइम है ये वाला, यकीन करें, दिलों को साफ करने का कि आप किसी घर में जाएं तो तोहफा नहीं है तो फ्रूट ले जाएं, ले जाएं, खाली हाथ ना जाएं, ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ किसी के घर ले जाएं। बिल्कुल। और इसी तरह जिनके पास जा रहे और कुछ नहीं तो इज्जत जरूर दे, पानी का ग्लास जरूर लाएं। जी शाइना, सबसे पहले तो यही होता है सुबह सुबह। अच्छा, मेरी एक आदत रही है कि जब भी रबीउल अव्वल होता है या मुहर्रम होता है या ईद होती है, तो मेरी रूटीन ऐसी होती है कि मैंने सुबह बस फजर पढ़ी और उसके बाद मैं अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। ये शेफ बंदे जो है ना, यही होता है। अच्छा, हर घर की औरत शेफ है। बिल्कुल, अपने घर की, अपने घर की, कोई बाहर भी अंदर भी जो नॉर्मली वो है, तो वो तैयारी यही स्टार्ट होती है। सही कह रही हूं। तो उठ के फिर बस मेरा ये होता है कि मैं कुछ बांटने का सिलसिला मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही, और कुछ दावतों का तो ये होता है कि हम लोग सारे मिलके ना एक गैदरिंग कर लेते हैं कि हाँ आज अब के इनके घर या किसी के घर, इस तरह करके। फिर अच्छा, ज़्यादातर मुझे ये होता है मोस्टली कि मेरे घर आ जाएँ, तो मैं फिर ये कि सुबह सुबह उठ के बस अपना मैंने बिरयानी वगैरह रेडी कर दी, मीठा बना लिया, तो ज़्यादातर बस यही रूटीन रहती है। उसके बाद ये होता है कि लिबास का थोड़ा सा हम लोग ख्याल कर लेते हैं कि अच्छा साफ सुथरा नया कोशिश करते हैं कि हम लोग पहने, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसी तरह बच्चों को बड़ा एक शौक होता है, जैसे आजकल बच्चों को ये कि लाइट्स, आजकल अब ज्यादा पहले इतना रुझान नहीं था, अब तो माशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस आ रही है तो वो लाइट्स वगैरह भी लगा रहे हैं। मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि हमारे दीन में कोई भी ये चीज़ नहीं है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार चीज़ों से करें, लेकिन लोग अपनी खुशी का इजहार जो है वो डिफरेंट चीज़ों से करते हैं। जबरदस्त है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो सच गाल आ, सिंपल नंढड़ी मिठड़ी गालियो है न, तो वाकई थोड़ा तवज्जो रखो इन सा को फर्क हो, तो मतलब नौ वगो पायो ता धोई स्त्री करे जेको घट पातल हो जे, हां या सो बार पातल धोतले स्त्री करे पायो, खुदा जो कसम। बस दिल में नियत रखो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीया जेको मलायूं ता मनायूं ता, सो वा सोच रखी करो तो अल्लाह उन जो वजर दींदा। सो वणु ता एकडी नंडडी कमर्शियल ब्रेक दाई वापस आ जूं। थैंक यू सो मच। जडें सिज थो भरे त गुलड़ा टड़न था, जडें सिज थो भरे त गुलड़ा टड़न था, सुबुह जान मारंग नाढा वणन था, सुबुह जान मारंग नाढा वणन था, वेलकम बैक जी नाजरीन जी, तो तक खबर आ त असो ही सेगमेंट एक अड़ो सेगमेंट आ जैमें ये समझो तो अल्लाह जैसे तौफीक दे, अल्लाह जैसे हिम्मत दे, अल्लाह जैसे चाहे
वो उन रुतबे से विहारे छे जी तीन सोच को आदत होंगी सड़ा आयो अस चाहिंदा तो जै जगह सामू वो वेठो असन खपे हाँ अस अजू हाँ असम एडी जेलती जेलसी आ इंसान में अस कें बर्दाश्त को छोज याद रखो अंदर में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर इंसान जी आ सिर्फ चॉइस तरण यो भी सच आ तो यो पावर या अशरफल मखलूकत के मिले ला तो जहन से सोचो नेकी रा सोचो सुठो सोचो मजे की गाल जी अल्लाह एडो अकुल शऊर असके जान दई छी तो उनकी जरूरत को असके समझाए पो कुरान असके पान समझण खपे असके पान डोण खपे असके पान बुधन खपे छोज असि बख्शिश ही उनके जरिए उनके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चयल हदीसन के जरिए पर तब अस नाशुक्र बेमुरवती आयो अल्लाह से हम ठगी था क्यों चौंता उनके खबर को अरे हूँ तो तू जो सोचने वो आई वो भी जान रखे तो तू उनके किए तो बेवकूफ़ ठा सी इंसान ए इंसान तोखे हक है तो तू बे के तकलीफ दी ए इंसान तोखे हक है तो तू बे के कर भी दी ए इंसान तोखे हक आ या तोखे खबर आ कयामत जी तोसा तोखा हर एक एक पॉइंट जो सवाल कयो वनबो तुझ नेकियों तुझ बदियों तुझ बुराइयों तुझे झोली में विझी आई तोखे चबो हाण गालाय छ तू गालण जेड़ो हुंदे यकीन कियो ये गालियो कंदे मुजो रूह आ जको जिसवा कबार जी वियो आ मुजी मतलब कंडीशन अजीब आ छोजे इंसान के पेंजा गुनाह याद करन खपन न के असा बे के जो त तू छा हमेशा याद रख जो तो पार चंदा या तू तू न तू ये जी चार वो पावरफुल ने जो अशद वाली आंगुर का ओडी मेल पावरफुल थी जैमल कंते आंगुर था खड़ो पर इो ही अशद की आंगुर से मेल नमाज मेल था खड़ो तो अशद ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह तो ये गालू पॉइंटू आज समझण सोचण अकुल शऊर जो जी अगर समझंदी तो कें समझाने की जरूरत न पवी नेकी सिर्फ कदम झलो सोच झलो कदम तो पो जी गाल कामयाबी माणीदार रहो सो अस मौजूद एक अड़ी नाथखुआ तो आं चवी अल्लाह सही इनके मुंतखब किया जी तुम दिसा रहा गाय बगाए मुझे इन प्रोग्राम में निदा जैदी जी हमेशा मौजूद होंगी मुट जी मुझी ढी सुी प्यारी दोस्त बासुटे मुझा बी भी सुी हालांकि मुझे तो फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात थी पर ढी सुी बेन चैनल्स से तिठो ही होंद उन चेहरों को वो फेमस चेहरो आ मू उन सुणंदा सो अस मरियम बख्तावर भी मौजूद हैं सो उनके भी बिन्न के वेलकम कर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप दोनों अल्लाह के शुक्र जबरदस्त आज तो बड़ा निदा भी जो है वो डॉक्टर बन के आई है खैर है निदा क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना exactly, है हमारे प्यारे आका की आमद का महीना है बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नबी की आमद का महीना है तो इसमें जितने हम एहतमाम करें हमारी सोच का एहतमाम कर लेना मैं कहती हूँ दुनिया के सारे मसले हल हो जाए सो माशाल्लाह निदा भी सालों से पढ़ रही हैं और मजालिस भी करती हैं और बड़े नेक नेक काम भी करती हैं और यही चीज़ हम चाहेंगे थोड़ा सा बख्तावर आप अपने बारे में भी बताएं बख्तावर कहेंगे या मरियम कहेंगे मरियम दोनों कुछ भी कह सकती हैं शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र से अल्लाह करीम ने मुझे सना खाने की शर्फ बख्शा है ये अल्लाह का करम है कि मेरी वालदा के तवस्सुत से आज जिस मकाम पर हूँ मैं अपनी वालदा के तवस्सुत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सपोर्ट किया है मेरी वालदा ने नाथवानी में मेरे बड़े भाई ने 3 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है मेरी वालदा का लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सना खानी करती हूँ अल्लाहुम्मा आमीन जब भी सना खानी करती हूँ तो एक कैफियत होती है कि हाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि मेरी वालदा मेरे दरमियान मौजूद हैं तो बस ये अल्लाह का करम रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने माइटन के याद रखा यकीन क्यों उन जिंदगी आसान बन छो छो जो मैंने माइट के याद रखे तो न वो हमेशा मंजिलू ही कामयाबी मानी दो सो अस स्टार्ट निदा का निदा तुझे सबसे पहले मैं सलाम पेश करती हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV नेशनल की मैं दिल से ममनून मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इस मुकद्दस महफिल में मुझे मदु किया नात पेश करती हूँ रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब
बल्ला जमी मैली नहीं होती, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मोहब्बत प्यार आका से वो जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनको, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, ज़बां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता, और गुलों को चूम लेते हैं सहर नमशब कतरे, नबी की नात सुन ली तो चमन मैला नहीं होता, जमी मैली जमन मैला नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा एक समा बांध दिया, बहुत ज़बरदस्त, दिल जीत लिया आज, सच बात बता रही हूँ, क्योंकि कोई कोई शायरी ऐसी होती है और फिर अंदाजे बयां वैसा हो जाए तो दिल को छू लेती और है, जिक्र भी इसी तरह और जिक्र तो समा बन जाता है बस,
और फिर आप जो सिलेक्शन करते हैं ना जिस शायर की, कि इन्होंने ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कलाम या उनका अंदाज, वो फिर जब वो जो फिक्स हो जाए, वो कितना अंगूठी में नगीने वाली बात, कुछ कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं, तो फिर बस बस क्या बात कह दी आपने, तो वो बड़ा प्यारा निकला, सच कह रही है मरियम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, सच बात, इस जुमले से दिल जीत लिया कि वाकई जो दिल से निकलती है ना चीज, वो क्या असर रखती है, बिल्कुल असर रखती है, और नात पढ़ने में बड़ा फर्क है, और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में जब इश्क होगा ना, वो खुद ब खुद निकलेगा, क्या बात है, क्या बात, दिखावा नहीं होगा, नहीं दिखावा नहीं होगा इसमें, दिखावा मैंने अभी यही बात कर रही थी ना कि आप अल्लाह से तो ना झूठ बोलो, बिल्कुल हाँ, आप जब खुद से बोल रहे होते हो, समझो खुद से झूठ बोलना अल्लाह से झूठ बोलना, आप रद्द कर रहे हो, तो जब आप अपने नहीं हो किसी और की क्या होगी, जबकि अल्लाह करीम 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, 70 शेरक से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों की तरह है, सुनता है, वो कहता है तहज्जुद में उठ के तो एक बार मेरी तरफ देख तो ले, तू वजू भी बाद में कर, तू उठते हुए बोल देना मैं तेरी मोहब्बत में उठा हूँ, हिम्मत भी नहीं लेकिन चाहता हूँ उठना, तो उठ जाते हैं। अगर नियत भी कर लेना हम रात में सोने से पहले कि अल्लाह करीम, हम नियत करके सो रहे हैं कि हमें तहज्जुद में, तो अल्लाह करीम वो रब है कि फौरन हमारी आंख खुलती है, उसी वक्त आंख खुलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, सिर्फ नियत बांधनी होती है, बिल्कुल कहते ना अमल का दरवाजा नियत पे है, बिल्कुल हमारी नियत ही अच्छी ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ सकते, और फिर कहते हैं यार इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं बुरी थी तभी बुरा हुआ ना, क्योंकि बुरा ना करो ना ही पलट के एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त बात है, मका फाते अमल है, बचपन से माशाल्लाह पढ़ रही है, किससे इंस्पायर है, उम्मे हबीबा, क्या बात है, क्योंकि उनकी आवाज में एक तासीर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इतनी तासीर है कि वो दिल पे लगती है, उनके जितने भी कलाम मैंने सुने हैं वो दिल पे ही लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं इसमें कोई शक नहीं है, वो आपके अंदाज से भी लग रहा है कि वाकई आप उनको इंस्पायर करती हैं, या वो आपको इंस्पायर, सॉरी वो आपको इंस्पायर करती हैं, सो मेरे ख्याल से अब आप जनात के बजाते हैं, तो उम्मे हबीबा की एक बहुत मशहूर ज़माना कलाम है, तो मैं वही पढ़ने की, बिल्कुल सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, मेरी जानिब भी हो इक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल हम, आप है वजह तखलीक के कोनो मकान, आपके दम से है ये जमीन आसमान, आप हैं बेनिशानी का बैयन निशान, है शाह दो ऐशा है दो सरा खाता।
सर्वरे जीशियम शाहे वाला ना सब मुर्ताजा मुझे खाताम अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम ए शफीउल वरा खाताम अंबिया। सुभान अल्लाह, वाकई समा बांध दिया अपना मरियम। बड़े मैं पूछ रहा हूँ कि सिंधी में आती है आपको नात? नहीं, मैंने कभी सिंधी पढ़ी नहीं, जबकि मेरी वालदा सिंधी बिलोंग करती हैं। लेकिन ये तो हद कर दी आपने। वो तो ताकि क्योंकि बाय बोर्न मैं कराची की हूँ। हाँ नहीं, तो इसमें कोई शक्ल नहीं। क्या घर में कहते हैं कि मदर अगर जिस जबान की होती है वही बोली बोली जाती है? पंजाबी सिंधी सब बोली जाती है, मिक्स है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आपको ये एक जो है ना एजाज है हासिल है कि आप मिक्स जो लैंग्वेजेस के बीच में पली हैं, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ बोली बोल लेते। मैंने ज़िंदगी में पहली बंदी कोई एक आदि देखी होगी जो ये कहते हो कि अम्मी सिंधी हैं या पंजाबी, और मुझे पंजाबी नहीं आती। अम्मी भी नहीं पंजाबी हैं, लेकिन वो सिंधी बोलती थी क्योंकि वो अच्छा टंडो वाला यार से उनकी तो पक्की उनकी सिंधी थी। और जब भी बोलती थी तो मैं उनको सिंधी में जी जी मुझे इतनी आती थी जी अम्मी ओके बस कुछ भी बोल देती ना जी टंडो जी, वाला जी यार। आपने तो हमारे एमसीआर में लोगों को कुछ कर दिया, क्योंकि मेरा खुद भी टंडो वाला यार है। तो मेरे हस्बैंड का मैं तो खुद बेसिकली हैदराबाद की, लेकिन मेरे हस्बैंड टंडो वाला यार के, हमारे डायरेक्टर टंडो वाला यार के, मेरा पूरा ननियाल। क्या बात है, देख लो तुम भी तो कहीं से लिंक नहीं करती। नहीं, मैं कराची की जी। तो आओ चंदस्त जेको का कोई मिलके एक नात नहीं पढ़ सकते कि हम ब्रेक पे चले जाएं? कसीदा प्रदर्शित। आए क्या बात है। हाँ ठीक है, तो फिर वो साथ थोड़ा ये मौलाया सलाम सर। हाँ है, माइक लगा हुआ है आपको, ठीक है फिर पढ़े। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल No.
سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي आपके नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपके नालैन का अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालैन का आपके खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ बांधता माशाल्लाह थैंक यू सो मच. एक ऐसा समा बांधा मुझे यूँ लग रहा है कि मैंने अभी बैठ के सारा मिलाद कर लिया. यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह. अच्छा शाम तक बुधाई दी अला पहली तुम थैंक यू कंदस तेजे प्रोग्राम में वेलकम भी कंदस शाम के उन यो भी चवंदी हल तो सते बजे शाम जो तहां असा जो लाइव प्रोग्राम दिखा रबीउल अव्वल के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन थी सते बजे का नवे बजे ताई सो जरूर दिसजो. सुभान बी ट्रांसमिशन है जी थी सुबह जो जी तक खबर मॉर्निंग शो थी उन्हें में भी मिलादी जो ही है तो जरूर दिसजो. याद रखो इन भी दावत दें तक भी दावत आ जरूर अचो. सो वन जो अज नाच जो फाइनल मुकाबलो भी है अज ता टिकट उमरे जी केर तो खटे. सो यो सब थींदो एक नंढड़े कमर्शियल ब्रेक का पोए. वेलकम बैक जी नाजरीन. अज असो है फिनाले गाल कजे एक अड़ो मुकाबलो जैमें अज खटंदा
वह शा पार चाहिंदा या वा चाहिंदा या दुनिया में असा सब चाहिंदा तो उन जगह की ज़ियारत करी अल्लाह असा के नसीबन वारो करे असाजे रब जो असाजे ला उन दिल में रहम अचे चाहे तो असा का नेकी करे सकूं। सो बहरहाल असो फाइनल तो हले ही हले पो जो तक खबर आ खमीस जो ढी हों खमीस के ढी असो अवेश रब्बानी जिनके माशाल्लाह से सुनानो था एक अड़ो नालो जिनका असि ट्रांसमिशन से कोशिश करना तो गड हुजन न तो मुकम्मल महसूस को सो उन पैर तो उनके वेलकम कदस प्रोग्राम में असट नाथ खुआ भी मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अवेश भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से और ज़ौक से मुकाबला जारी है नाथ खाने का, बहुत ज़बरदस्त। और हमारे पास मज़े की बात है कि यह है इमाम रब्बानी, यानी कि रब्बानी आप ही का नाम जैसे जुड़ा हुआ, रब्बानी लोग बहुत प्यारा नाम है ना, बहुत बहुत प्यारा नाम, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तरफ से इनको एक उम्र का टिकट जो विनर होंगे उनको मिला जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। सो ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हमारे इस प्रोग्राम की तवज्जो से बच्चे को जो पोजीशन लेगा उसको जाए, और वो भी फर्स्ट पोजीशन, तो और क्या चाहिए हमारे। और हमारे साथ मौजूद है एक नाथ ख्वां अलमास नायब साहिबा, तो उनको भी हम वेलकम करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक बिल्कुल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे ख्याल से हमारे पास जजेस का भी मैं आपको जो है उनसे भी मिलवा लेती हूँ, तो क्योंकि तारुफ तो तकरीबन डेली होता है और फिर भी तारुफ करवाना पड़ता है, क्योंकि जब हम रोज़ होते हैं रोज़ मिलते हैं फैमिली तो बनते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन स्टार्ट प्रोग्राम का तो फिर तारुफ भी सलाम भी दुआ भी हेलो भी हाय भी सब मिक्स होता है। सो वेलकम करते हैं हमारे दोनों जजेस को जो हैं हामिद हाफिज हामिद रजा साहब और फायजा कामरान। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे लग रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज फाइनल वाले दिन? बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना, और खुशी का समा है, रबीउल अव्वल की रात है। जी बिल्कुल, और मनाना चाहिए है ना। बच्चों के चेहरे देख के ना थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि आज जो हार जाएंगे वो बेचारे थोड़ा सा डिसहार्ट और आगे जाएंगे, जो हार जाएंगे इंशाल्लाह वो और आगे जाएंगे, वक्ती तौर पे डिसहार्ट हो जाएंगे ना, बच्चे हैं छोटे। सही। अच्छा, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ सोच रही थी फायज़ा कि आपका जो लुक है ना किसी हमारी जो आर्टिस्ट है उनसे मिलता है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, लेकिन वो लुक मुझे कुछ फायज़ा कुछ इस तरह उनका नाम क्या था, वो भी यही लुक था, लेकिन अच्छा? हमारी टीवी के मैंने पीटीवी वर्ल्ड पर जब उनका रिपीट हुआ था ड्रामा उसमें देखा था। अच्छा, और बहुत अच्छा कैरेक्टर किया हुआ था कि बस मुझे कुछ भी याद नहीं सिवाय इस जुमले की कि वो गरीब की बेटी है एक मासी की, वो वहाँ रहती है और डिप्रेशन में चली जाती है और आखिर में उसकी दिमाग की रग फट जाती है। अच्छा। कि सिर्फ इसलिए कि उनको सब कुछ ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा। यानी कि वो भागती रहती है इन चीज़ों की, लेकिन मुझसे कैरेक्टर उन्होंने ऐसा किया था कि मुझे आज तक वो एक कैरेक्टर बस। अच्छा। वो एक सीन झलक की तरह याद है। अच्छा। तो वो मुझे चेहरा, मैंने कहा किसी से तो मिलती है, मैंने कहा आज बोल दूंगी फायदा को मैं लाइव। सो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। अवेश भाई, हम स्टार्ट करते हैं नाच से। ये बहुत बड़ा शौक है नाच सुनना सुनाना महफिल सजाना, इससे बच्चों की तरबियत करनी चाहिए आज के दौर में। दो मारूफ सनाखा आपके प्रोग्राम में बहसे जज बैठे हुए हैं, हाफिज हामिद रजा और फायजा कामरान, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं और मुझे अभी दिल कर रहा है कि मैं अच्छा सा कलाम ऐसे ही सुनूं, इससे वो कैफियत दुबला हो जाती है, तसव्वुर में मदीना आबाद हो जाता है। क्या बात है, क्या एक समा ऐसा बनता है कि दिल करता है कि वो मैसे महफिल कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि इससे पहले जो सेगमेंट हो रहा था इतनी वो नात पे नात हम पढ़े जा रहे थे, मैं भी उनके साथ लगी हुई थी गुनगुना ही रही थी, मकसद इतना समा बन गया कि मैंने कहा कि ये जगह ये टाइम यहीं रुक जाए और कुछ भी ना हो, बस यही होता है। क्या बात, क्योंकि ऐसी कैफियत बंदे की हो जाती है। हमारे पास अलमास जो है माशाल्लाह वो भी एक बहुत एक बार नाम मशहूर नाम है और माशाल्लाह आवाज़ भी इनकी ज़बरदस्त, पहली दफ़ा हमारे पास परफॉर्म कर रही हैं। सो फिर दोबारा से हम उनको वेलकम करते हैं। और जी तो आप हमें क्या सुना रही है? बिल्कुल बाग़े आलम में यार रब ये कौन आ गया, किसकी आमद का दुनिया में डंका बजा, हो गया कौन अंधेरे में जल
हर तरफ से जो ये आ रही है सदा मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा गुलशन दहर में आए प्यारे नबी फैली चारों तरफ एक अजब रोशनी खिल गई बेनवाओं के दिल की कली ये नसीमे सहर सुबह दम बोल उठी मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा हर तरफ आमद आमद की धूमे मची बुलबुले खुश नवा नगमे गाने लगी डालियां उठ के ताजीम को झुक गई खिल के कलियां चमन में सभी बोल उठी मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत माशाल्लाह बहुत वाकई अल्लाह ने आपकी आवाज़ में बड़ा सोज रखा है सो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मैं कहूँगी कोई छोटी सी बात से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का और उसके बाद हम अपने नात खानी की मुकाबले की तरफ जाते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ हुआ नात खानी के साथ अच्छा मैं थैंक यू आपका भी चाहती हूँ कि आप आएँ फिर इंशाल्लाह आपको हम लोगों ने आप हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं तो क्योंकि स्पेशली हम जुम्मे का प्रोग्राम करते हैं आपको ज़रूर बुलाएंगे तो जी प्लीज़ आप देखिए आमतौर से हमें मारूफ मानों में ये बताया जाता है कि मोहब्बत हो इश्क हो इसमें इंसान खाम पड़ जाता है थक जाता है कमज़ोर पड़ जाता है और उसके एहसास ज़यीफ़ हो जाते हैं मगर मैं समझता हूँ कि इश्क के असल माने इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाता है हज़रत अल्लामा इकबाल ने दो बहुत पेचीदा मुश्किलात को बहुत आसान कर दिया दो ही मिसरों के साथ पहली चीज़ ये कि इश्क चूँकि कमज़ोर करता है बज़ाहिर इश्क में नाकामियाँ होती हैं इश्क में इंसान की रही सही ताकत भी छिन जाया करती है इश्क में जो कुछ हासिल होता है वो उससे दूर हो जाता है और दूसरा मुद्दा जो मारूफ मानों में ये सवाल बना के उठाया जाता है कि हुजूर की शख्सियत के जलवा अफरोज़ होने पर आपके अनवार को देख के कहें क्या हुजूर कहें नूर कहें सैयदुल बशर कहें ऐसे ऐसे मकाम मारफत हासिल हो जाते हैं तो ये बहस रहती है इकबाल ने इस खूबसूरत से मिसरे में सारी बहस तमाम कर दी एक तो उसने कहा कि इश्क में नाकामी नहीं होती अगर इश्क इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा हो और दूसरा उसने ये बता दिया कि वो शख्सियत उनके नूर पे तो क्या बहस होगी खुद आपके आपकी ज़ात से आपके इस्म से लिया वाला नूर आपसे अखज़ करने वाला नूर आपके नाम मुबारक से लेने वाले नूर से क्या हो सकता है फरमाते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दर में इसमें मोहम्मद से उजाला यानी इश्क जिसे आम मानों में कमजोर समझा जाता है इकबाल ने बताया इसी में सारी कुव्वत है जो इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा है
और ऐसी कुव्वत है कि सिर्फ इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में इतनी ताकत है कि आपकी शख्सियत तो कुछ आपके इस्म को लेके दुनिया में नूर हो सकता है, उजाला हो सकता है। याद रहे कि पूरी कायनात जब हम दुनिया से बाहर की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो हमें अंधेरा नजर आता है, कायनात का जब भी तस्वीर किया जाता है तो स्याही नजर आती है, मगर जहां जहां इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा है वहां स्याही रह नहीं सकती, अंधेरा रह नहीं सकता। अब देखिए खासियत यही है हुजूर सईद वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात रहमतुल आलमीन इमामुल अंबिया का खासा यह है कि जहां आप तशरीफ़ ले जाएं वहां खुशबू ही खुशबू रहती है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि किसी गली से अगर ये अंदाज़ा लगाना हो ना कि हुजूर यहाँ से गुजरे, वो गली चीख चीख के बता रही होती है कि यहाँ से गुजरे सईद दो आलम। खुशबू का वो आलम होता है कि मैं कहता हूँ तीन दिन तो महदूद किया गया सब समझाने के लिए, वरना जहाँ से गुजर जाए वहाँ से खुशबू नहीं जाती। छोटे बच्चों का ये आलम होता था कि नमाज आप फरमाया करते थे, जोहर की नमाज हुई उसके बाद बच्चों की कतारें लग जाती थी मस्जिद नबी के आगे, बच्चे कतार में खड़े हो जाते थे कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफकत का तकाजा ये है कि जैसे ही नमाज पढ़ के निकलते हैं गालों पे हाथ लगाते जाते हैं बच्चों के, और बच्चों में से एक बच्चा कहता है यही जिनको 10 साल से परवरिश का शर्फ हासिल हुआ कि जो ही मेरे चेहरे पे दस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ाकत महसूस हुई, मुझे ये लगा कि दो बातें, एक तो किसी ने बर्फ़ में से हाथ निकाल के यहाँ गाल पे रख दिया हो, और दूसरा ये कि जैसे आतर की शीशियों में किसी ने हाथ डुबोया हुआ हो, खजानों में उसका हाथ हो और उसके बाद उसने फौरन से चेहरे पर लगा दिया। तो ये सब चीज़ें हमें आज के दौर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती, यानी वो लताफत, वो उम्दगी, वो सलीका, वो एक खूबसूरत सा तखय्युल हमें नात सुन के हासिल हो जाता है, और यही इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना है। खुदा करे कि हमारी नस्लों में ये सलीका जारी हो सारी रहे। आमीन सुम आमीन। जी हमारी पार्टिसिपेंट हमारे साथ बैठी हुई हैं और इनका नाम है केकशा सुहेल, केकशा सुहेल, तो उनसे मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं ना, और हमारे जजेस कोई बात, कोई अनाउंसमेंट कुछ, क्योंकि आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा। बिल्कुल, हम अर्ज़ कर चुके हैं बच्चों से पहले भी कि एक अस्थाई और एक अंतरा पेश करेंगे, इंशाल्लाह आज फाइनल है और इंशाल्लाह ये दिल लगा कर पढ़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो मदीने की दौड़ में कोई एक न एक बच्चा हमारा शामिल होगा, उसके सदके अल्लाह करीम हम सब पर भी करम फरमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये टूरिज़म वालों की तरफ से इमाम रब्बानी जिनकी तरफ से ये उम्रे का टिकट उनको मिलेगा, जो खुश नसीब आज जीत कर ये टिकट हमसे ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं के शाह सुहेल से के वो नात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। ये दिल इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यमुनावर है ये दिल, यमुनावर है ये
सुभान अल्लाह। हम चाहेंगे कि आप फिर कोई एक ऐसी हमारे नबी के, हाँ बिल्कुल शेयर करें। मुझे तो ये भी अंदाज़ा है कि आपको भी नात खानी का शर्फ है, आपको अच्छा लगता है सुनना और महफिल से अच्छी जाती। मुझे एक वाक्या याद पड़ता है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का रहमतुल्लाह अलैह। उनको भी मोहब्बत थी और उनका किबला उनके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने बहुत कुछ सीखा ख्वाजा साहिब से। एक वाकया जिससे हमें शायद महफिल नात का ज़ौक शौक और उसका मकाम मर्तबा या उसकी मारफत का एक अदना सा सबक मिल जाए। जब किसी से दिल लगा होता है ना तो उसका ज़िक्र आप सुनना पसंद करते हैं। जब किसी से दिल जुड़ा होता है तो फिर आप चाहते हैं कि बार बार आपके महबूब का जिक्र आए, बात छिड़े, कहीं से कोई औसाफ बयान करे, कोई 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 ऐसी मनकबत आ जाए। क्या बात है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। ख्वाजा शम्स तबरेज़ से उनकी मोहब्बत का सिलसिला जारी था, सीख रहे थे, बे इंतहा सीख रहे थे कि अचानक वाकया ऐसा हुआ कि ख्वाजा साहब ने उनसे पर्दा कर लिया, दूर चले गए, कई रोज तक नजर ना आए। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो कि नफीस तरीन आदमी हैं अपने माशरे के, मारूफ हैं, लोग उन्हें जानते हैं, अच्छा लिबादा पहनते हैं, अच्छा इमामा बांधते हैं, अच्छी जुबा, अच्छी अच्छी कबा, अच्छा लिबास, जूतियाँ बहुत प्यारी हैं, कीमती तरीन, परेशान घूम रहे हैं, हाल से बेहाल घूम रहे हैं। कोई उन्हें शम्स तबरेज़ से मिला दे, कोई उनकी मुलाकात करवा दे, सिर्फ ये बता दे कि वो हैं कहाँ। बच्चों से अपने कह रहे हैं कि कोई ढूंढ के लाए, मैं परेशान हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे मस्जिद नहीं जाया जाता, उठा खुतबा नहीं दिया जाता, मुझे शम्स से मिलना है। एक मरतबा एक शख्स ने सामने आके कहा कि वो जो सामने पहाड़ है ना, मैं अभी अभी वहाँ से आया और मैंने देखा है कि ख्वाजा शम्स तबरेज़ वहाँ तशरीफ़ फरमाए और आपको याद फरमा रहे हैं। तो जैसे ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने ये सुना, आपने अपनी नालैन, अपनी अबा, अपना अमामा शरीफ, बहुत ही कीमती नादिर और नायाब उठा के उस शख्स को दे दिया। क्या तुमने जो मुझे खबर दी है ना, ये फौरन से ही सब कुछ तुम रखो। तो पीछे खड़े हुए लोगों ने कहा, हुजूर ये बहुत नादिर नायाब चीज़ें हैं जो आपके पास हैं और ये शख्स तो इसको कोई जानता भी नहीं है। दूसरे गान में एक शख्स ने कहा, हुजूर आप तो खुद देख सकते हैं सामने पहाड़ पर, सामने कोई शख्स नहीं है, मैं कंफर्म भी करके बता सकता हूँ कोई है ही नहीं। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इश्क में तर हुआ हुआ एक ऐसा जुमला कहा जो हम सब के लिए एक मिसाल है। आपने कहा, खबर सच्ची होती तो जान ना दे देता, झूठी खबर के ऊपर ये दे रहा हूँ मैं इसको। मेरे महबूब का जिक्र किया उसने, मेरे विजदान में, तखय्युल में, तसव्वुर में उसने मेरे महबूब, मेरे मलजा, मेरे आका को एक पल के लिए ठहराया और मैंने सोचा कि अगर वहां होते तो कैसे बैठे हुए होते। तो वो जो चंद सेकंड का तसव्वुर था, ये इसको इसकी कीमत दे रहा हूं मैं। अगर मुस्तकिल ऐसा होता तो हम जब सोचते हैं, हम जब नात पढ़ते हैं, जब कलाम पढ़ा जाता है तो हमारे तसव्वुर में, यकीन जानिए, मदीने की मीठी मीठी गलियां होती हैं हमारे पास, तसव्वुर में वो सूरह तैयबा का सारा रंग होता है, मदनी रंग चढ़ा हुआ होता है, वो इबादत में शुमार होता है। जबरदस्त जबरदस्त। अब हमारे पास है हसन निजामी। तो हसन मुझे खता इंसान मदीने में रहे मुझे खता कर सा इंसान मदीने रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खता याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद
बात के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे इंसान मदीने में रहे मुझ खता कर सा इंसान सुभान अल्लाह माशाल्लाह ॾाढो सुरीलो ऐं सोज वारो आवाज़ ईअं बिल्कुलु असां वाकई मूंखे लॻो त मूं जहिड़े मूं वटि त यकीन कयो कंहिं महिल असां एॾा स्पीचलेस थी वेंदा आहियूं अल्फाज़ ऐं वरी जिन जे लाइ ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त काश असां ते बि रहम पइजी वञे छो त तव्हां दौलत में त कमु नथी अचे न जे रब राज़ी न हुजे दौलत बि सड़ियो वञे कंहिं कम जी कोन्हे सो अलाह असांखे बि उन्हनि ख़ुशि नसीबनि मां करे त असां हुनजी मदीने में वेही ऐं ईअं चयूं त असां मदीने में वेठा आहियूं असांखे बि ॾिसो असां मदीने में वेठा आहियूं असां बि काबे जा वेठा आहियूं असां उते दुआ घुरूं था सो असांखे अलाह साईं अहिड़ो करे इहो मुंहिंजो रब जंहिं ते राज़ी रहे सो दुआ जे तर्ज करे सो जी मां हिकिड़ी ॻाल्हि डिस्कस कयां जंहिं माण्हू खे आवाज़ सुठी मिलंदी आहे न जिनको अच्छी आवाज़ मिलती है जो बचपन से एक तो ही कुदरत है ना जिसने आपको गला अच्छा दिया है गुलू दिया है मगर ये आपका फैसला है और इससे आयत के माने समझ में आते हैं ना कि इंसान आजमाया जाता है इन तमाम नेमतों के साथ तो जिनको अच्छी आवाज़ मिलती है और वो नात खानी का इंतखाब करते हैं ये बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये चाहते हैं हमारे कैडेट कॉलेज में दो चार बच्चे ऐसे थे जो बहुत प्यारी अच्छी नात पढ़ते थे मौका मिलता था तो आवाज का फायदा उठा के थोड़ा सा गुनगुना भी लेते थे लोग याद की तरफ भी चले जाते थे तो ये अच्छी बात नहीं थी हम उनको अच्छा? जाहिर है कि आपको अगर अच्छा गला मिला है तो और वो आप डेडिकेट कर रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ नात खाने के लिए तो ये आपने अपना हिस्सा दे दिया अब उसमें आप दूसरी चीजें ना मिलाएं ये ना सोचे कि आवाज अच्छी है तो मैं असल चीज ये कही ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक नाथ खान का माशाल्लाह मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे लाइफ में थी अपने तो कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह सिंगिंग के भी किए थे बट फिर उसके बाद वो छोड़ दिए सिर्फ नाथ खानी जारी रखी बट जब ये सोच लिया कि अब नाथ खानी ही करनी और कुछ नहीं करना तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर्स और चांसेस मिले कि आप कुछ इस तरफ आएंगे बट बस चुन लिया था कि नाथवानी ही करनी है तो बस फिर उसको यानी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक नाथवा का कि वो अपनी आवाज को डेडिकेट कर देता है जैसे इन्होंने किया जैसे हाफिज साहब ने किया ये चाहते ना तो बहुत सारी ऑफर्स और भी मगर ये इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो यादगार होगा और इनके नामे अमाल में बहुत ही अच्छे अंदाज से लिखा टाइम क्या बचा है उफ प्लीज आप कह रहे 12 मिनट हमारे पास टोटल बचे हैं अब हमारे पास कितने आ गए पार्टिसिपेट ये तीसरा है तीन अभी रहते हैं ओके ठीक है प्लीज हम लोग भी जिक्र जब करते हैं तो कुछ होश नहीं रहता जी माशाल्लाह हाँ तेरी निगाह से ज़र्रे गदाए बे सरो सामा जहां पना बने तेरी निगाह हुजूर ही
मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम आपने सबसे पहले कलाम नात जो लिखा अशार की जुबान में, उसके बाद सहाबी रसूल जनाब हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद तवातुर के साथ जो देखता है वो उसकी जुबान पे नात ना आए तो क्या आए। क्या बात, हम तो वो दीवाने हैं कि जो तसव्वुर करते हैं तो नात निकलती है, नात लिखी जाती है, मगर जो अपनी आंखों से देख रहा हो उस जलवे को तो फिर वो जलवा जाना खुद आपकी जुबान में अशार डाल देता है नात के। अच्छा, हमारे पास सुभान सलमान, मैंने सही नाम लिया ना जी, सुभान सलमान, क्योंकि आगे पीछे नाम लिखे मैंने शकबेल कहा, लेकिन सही है, चले जी जी। खालिक ने तरह दार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, और इसको लिखने वाले ने क्या कमाल ज़ौक पे लिखा है, ये मार्फत की एक मेराज है, ऐसा तुझे खालिक ने तरह दार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, माशाल्लाह क्या बात है, बनाए गए सरकार के खातिर और कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार, क्या बात है, कुंजियां सारे खजानों की खुदा ने महबूब कहा मालिक को मुख्तार, क्या गाल का जी जी। मतलब अवेश भाई जी गाली बुधन यकीन के दिल कौन चंदी या तो हेडा या औरतू पर वो छा चंदा है असा के टाइम ये प्रोग्राम बाउंड करे छरीदो असा मजबूर नहीं तो आई यही खूबसूरती आ जितनी तलब रहंदी आ न उन जो चांब ओड़ो ही हुंदो आ उन जो मजो ओड़ो रहंदो आ एकदम फॉर ग्रांटेड कराई के ना तो वाकई फॉर ग्रांटेड ही थी विंदा हूं। सो असा फैजिया हुसैन मौजूद है जी, फैजिया उनकी
धड़कने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा करीम से गए कतरा किसी ने मांगा मेरे से गए कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल अच्छा टाइम डाढो घटा जी अवेश भाई छा चवंदो आई अंजला के सडे वठू माशाल्लाह नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स भी हैं अभी भी एक पार्टिसिपेंट बाकी हैं नहीं बस ये आखिरी हैं हां ये पार्टिसिपेंट और इसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा बहुत ही उम्दा बहुत अच्छा लग रहा है और एक एक बच्चा तैयारी के साथ आया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह हां जी अंजला अदम से ला सू
अदम से ला मैं चाहूँगी सारे पार्टिसिपेंट आ जाएं या खड़े हो जाएं प्लीज़, और हम सब आप इनाम रबानी साहब को भी कहेंगे कि वो अपने हाथों से या कर दें जो भी हमारा, तो मेरे ख्याल से हम जो है जजेस से भी कहते थे आप लोग भी जो है जी सर प्लीज़ अच्छा आ जाएं आ जाएं आ जाएं बच्चे आप लोग अच्छा हम चाहेंगे कि आप जो है ना रिजल्ट हो जाए ना आवेश भाई, ताकि सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर आप ठीक ठाक, आप बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं इस वक्त, और दूसरी बात ये कि इस तरह के अगर आप जो हम लोग जो ये अभी आपने एक ऑफर दिया बच्चों के लिए, तो इस तरह के अगर ये इस तरह होता रहा ना काम, तो और कुछ नहीं तो बच्चे जो हैं उनमें एक जोश वलवला और एक दिलचस्पी बढ़ेगी जी बिल्कुल, ख्वाहिश बढ़ेगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात इंशाल्लाह जी। इनाम रबानी सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया पी टी वी के हमारे इस मॉर्निंग शो में, पी टी वी नेशनल के साथ हमारे पी टी वी मॉर्निंग पे जी हो गए सब जी जी आदि जी, तक खबर आ तो जजेस हाँ अनाउंस कंदा आई असां के बार सब बराबर छो जे मासूम ना आइन आई डाडो माशाल्लाह दिल सा अंदर का पढ़ो थन हाँ सारा जजेस फैसलो कन आई टिकट जेको आ ही जेको आ सारी ही पई आ, पर असां जे मतलब हुंदो त सर के ते बिहारींदासीं सर के चवराईंदासीं ॾियारींदासीं जी तां थोड़ो बहुत ही शानदार किस्म का मुकाबला हुआ, अल्फाज तो नहीं क्या कहा जाए, अवेज़ भाई भी जानते हैं इस चीज़ को, यहाँ आप सब जानते हैं कि जो फाइनल में पहुँच जाता है वो उनकी मेहनत होती है, फाइनल में जब आप आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त बहुत मुख्तसर सा, फायदा साहब हम बकायदा अनाउंस कर दें जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बढ़ती जा रही है, नो डाउट सब ने अच्छा पढ़ा, सब फाइनल में आ चुके हैं, सब जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसे बारगाह रिसालत में आपसे बुलावा आया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा सब जीते हैं, लेकिन जिसे बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलावा आया है वो हमारे प्यारे शहजादे हसन निजामी हैं, जिन्होंने माशाल्लाह पीटीवी नेशनल बाकी सेकंड पोजीशन पर हमारी कहकशा साहिबा हैं, थर्ड नंबर पे हमारे फैजियाब हुसैन हैं जी, आ जाएं आगे की तरफ आ जाएं इनके लिए जो आ जाएं अवेश भाई ये सुभान वही जबरदस्त बहुत खुशी हुई। अच्छा इसका मकसद ये नहीं कि वो हार गए, लेकिन वही वाली बात के एक दो पॉइंट्स की वजह से आगे बढ़े, आप क्या कहेंगे अवेश भाई, मैं चाहूंगी एक जुमला हो जाने, शुक्रिया, मैं कहूँगा कि दुआओं में इनको याद रखें, और ये जो ट्रैवल का काम है ना ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, इन्होंने बच्चों को इंकरेज किया है, मुझे यकीन है कि इनकी रिस्क में बहुत बरकत आने वाली है, इंकरेज करना भी चाहिए उसी से तो हौसला अफजाई ज़्यादा होती है ना, सो जी ये इंशाल्लाह मैं लेकर रहूंगा। हाँ ये थोड़ा अगर टाइम का कुछ 19-20 हो जाए तो भले डेट ये इसी पे डेट पे ही होगा। अच्छा डेट, अच्छा डेट को हम आगे भेजें जी, इन्होंने हमारी वजह से काफी आगे बढ़ा दिए, वैसे डेट और करना चाहता हूं बिल्कुल, मैं चाहूंगा फायजा साहब अनाउंसमेंट करेंगी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वाले बच्चे जल्दी जल्दी से, बड़ा चाह रही थी कि बच्चों के लिए कोई ऐसे गिफ्ट हो जो खुश हो जाए बच्चे बहुत ज्यादा, जी जी जी, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड नहीं बल्कि सारे 6 बच्चे जो है सारे विनर है ना, इन तमाम के जो है मैं इंशाल्लाह ताला ऑडियो और वीडियो कलाम जो है ना वो अपनी जानिब से चले जी, इस पे क्लैपिंग हो जानी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो सबनी जी मेहरबानी शुक्रिया गालण ला इलाही कुछ आ टाइम बिल्कुल कोने छो जे रसूल जो महीनो मुबारक हुए आई सर्टिफिकेट्स बस आवडन अच्छी खड़ी अचो ता अचो हमिद भाई ता अच्छी वनो सर्टिफिकेट्स दिखारियो जेके असा जिको आ सर्टिफिकेट्स दिंदासी सो प्लीज अचो अचो ता बच्चो ही सर्टिफिकेट्स पे न जेके पीटीवी जी तरफा इन सभी के माशाल्लाह सा इनके दींदा भी था रहूँ ठीक ये ठीक ही वो ठीक। अच्छा अगर नाम आगे पीछे हो तो एक्सचेंज कर लीजिएगा ठीक है ना, सो बहरहाल फायजा प्लीज तो आप भी इस तरफ आ जाए, सो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान हमारा है, नबी का महीना हमारा है, ये सब कुछ हमें हम जाते हुए कहेंगे कि नाथ शरीफ हो, जाते जाते कहेंगे सायरा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर कल मिलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी प्लीज नाथ जी क्योंकि बाद भी हाँ लग जाएगी मगरिब के बाद, तो उस हवाले से कलाम हम सब मिलके पढ़ते हैं।
जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हूर गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह।